रहे हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा जो है, जो कि एच पी का जो है प्रिंटर दे रखा है दोस्तों, देख रहे हैं आप, काफ़ी अच्छा यहाँ पे मॉडल है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इसका मॉडल नंबर, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है एच पी डेक्स जेड जी टी 5810, जो कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे मॉडल है। इसके जो है सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे हम लोग अपने लैपटॉप के अंदर। तो दोस्तों आइए हम लोग जो है इसके कनेक्शन को सबसे पहले करते हैं। तो अभी जो है इसके अंदर में हम लोग जगह में सप्लाई को लगाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे जो है, ठीक है, हमें अपने पावर जगह में केबल को लगा दिया, इसमें प्रिंटर के अंदर हमने लगा दिया पावर केबल को, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे हमने अपने प्रिंटर में जगह में पावर केबल को लगा दिया है। अब जो है इसमें फीमेल जैक को लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है इसका फीमेल जैक है इसका, ये देखिए लगा दिया फीमेल जैक हमने इसमें प्रिंटर में, और ये देखिए काफ़ी अच्छे से लगा दिया है, अभी रेडी है प्रिंटर ये। अब जो है हम लोग इसमें ये देख पा रहे हैं यहाँ पे यूएसबी केबल है, तो हम लोग इसको अपने लैपटॉप के अंदर लगाएंगे। ये देखिए लैपटॉप हमारा यहाँ पे है, इसके अंदर में लगाएंगे यूएसबी केबल को। देखिए लगा दिया हमने लैपटॉप के अंदर में यूएसबी केबल को, और लैपटॉप को जो है हम लोग यहाँ स्टार्ट कर देंगे। और आइए अब जो है हम लोग अपने जगह में कंप्यूटर के स्क्रीन पे चलते हैं और इसके अंदर में जो है इसके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों अब जो है हम अपने ब्राउज़र को यहाँ पे खोलेंगे, ये खोल लिया हमने ब्राउज़र, और हम लोग यहाँ पे अपने प्रिंटर के मॉडल नंबर को यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारा जो यहाँ पे मॉडल नंबर है HP-Z GT 5810, ये देखिए लिख दिया मैंने 5810। इसको दोस्तों लिखने के बाद में ये देखिए यहाँ पे आ रहा फर्स्ट पे, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट पे क्लिक करना है और थोड़ी देर वेट करेंगे, जैसे आपके नेट की स्पीड है वैसे ही आपको यहाँ पे काम करना है। तो देखिए यहाँ पे आ गया इसका जो भी मॉडल नंबर हमने लिखा था। अब यहाँ पर जो एक है बात, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ रहा है विंडो 10 मेरी दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि जगह में विंडो 10 है तो मैंने यहाँ पे कर लिया चूज़। अगर आपकी जैसे विंडो जगह में 7 है या कोई जैसे मतलब की और विंडो है तो आप अपना यहाँ पे जाके चूज भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सारी विंडो दिखा रहा है, 7 है, विस्टा है, और ये देखिए यहाँ पे एक्सपी भी है, तो आजकल तो चलती नहीं एक्सपी, बाकी क्या पता किसी के लैपटॉप में हो अभी भी। तो आप लोग जो है जैसे यहाँ से विंडो को चूज कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे देखिए चूज कर रखा। वैसे तो आपके जैसे मतलब जगह में लैपटॉप में डिफ़ॉल्ट में ही अपना ले लेगा विंडो, अगर ये जैसे ना ले तो यहाँ पे जाके चूज भी कर सकते हैं। लाइनेक्स के लिए भी सॉफ्टवेयर वगैरह है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लाइनेक्स का हो गया, विंडो का हो गया, मैक का हो गया, iOS हो गया। तो दोस्तों फीचर काफ़ी है, तो यहाँ से कर सकते हो सेलेक्ट आप। और अब हम आगे चलते हैं, तो देखिए इसके अंदर आ चुका है और डायग्नोस्टिक टूल पे जाना है। तो दोस्तों इस पे जाके क्लिक करना हमें, डायग्नोस्टिक टूल पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आएगा, ये देख पा रहे हैं इसमें। और इसके अंदर में दोस्तों नेट की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी, तो नेट अपने जो है, ठीक है, जैसे कि लैपटॉप में लगा के रखें, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको जब हम जैसे अपने जगह में सेटअप को डालेंगे लैपटॉप के अंदर तो ऑटोमेटिक ये जो है इसको ले लेगा इसमें। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको ले लिया है, अब जो है हम इसके अंदर में इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे। तो देखिए ये है यहाँ सेटअप है, हमने इसको रन कर दिया, देख पा रहे हैं आप सेटअप इसमें चल रहा है अच्छे से, यस करेंगे इसमें, यस कर दिया, बाकी जो इसमें चीज़ों को बंद कर देंगे हम। ये देखिए यहाँ पे आ गया है ये, और यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे हम, और
एक्सेप्ट के बाद दोस्तों ये आइकन बन गया, इसको यहाँ चला लेंगे हम लोग। तो ये देखिए यहाँ आज आया है। अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये जो है यहाँ पे हमारे डिवाइस को जो है मैं फाउंड कर लेगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे नेट की रिक्वायरमेंट है तो आप लोग अपने जो है इसमें लैपटॉप में नेट को लगा के रखें, अदरवाइज ये इंस्टॉलेशन यहाँ पे रुक जाएगा। तो ये देखें जो है यहाँ पे सर्चिंग अभी कर रहा है ये, और थोड़ी सी देर में जो है इसमें डल जाएगा इसका ड्राइवर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसने फाउंड यहाँ पे किया है, जो कि ये देखिए मॉडल नंबर यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अब और ये यहाँ पे डलने लग जाएगा। तो आप भी अपने जो है इसमें लैपटॉप को अच्छे से यहाँ पे कर सकते हैं इंस्टॉल। तो ये देखिए होने वाला है यहाँ पे प्रोसेस हमारा, और थोड़ा सा वेट आपको करना है यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे, फिर आपका डल जाएगा इसमें। और नेट नहीं भूलना है दोस्तों, आपको अपने लैपटॉप में और जो है हमें पीसी वगैरह में नेट आपको रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी आएगा इसमें फंक्शन तो नेट के ही थ्रू होगा सारा प्रोसेस। तो आप लोग अपने लैपटॉप में पीसी में नेट को लगा के रखें। तो थोड़ी देर इसका वेट करते हैं। तो दोस्तों आपको जो है अपने दोस्तों यहाँ पर जगह में प्रिंटर को स्टार्ट कर देना है एक बार, जो है जैसे बीच में जगह में बंद करके चालू कर देना है आपको, जब जैसे यहाँ पे दिखाए तो फिर ये क्या है कि अपने प्रिंटर को ले लेगा। बंद था प्रिंटर, फिर आगे गया नहीं है। हाँ तो अब जो है दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं आप, आ चुका है ये, और फिक्स प्रिंटिंग के नाम से यहाँ पे कर देंगे इसको जो है मैं डिफ़ॉल्ट पे कर देंगे, और हमारा जो है यहाँ पे सेलेक्ट फिक्स प्रिंटिंग पे क्लिक करेंगे हम, और फाइंडिंग फिक्सिंग प्रिंटर इस पर क्लिक कर देंगे, फाइंडिंग एंड फिक्सिंग प्रिंटिंग प्रॉब्लम इस पर हम लोग जो इसमें क्लिक करेंगे, और देखिए यहाँ पे जो है इसमें डल चुका है हमारे इसमें। और अब जो है यहाँ पे देंगे जगह, यहाँ पे जाएंगे और टेस्ट पेज की कमांड देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने दे दिया है, और आप जो है अंदर में जाके भी चेक जो है इसमें कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल को खोलेंगे, देखिए कंट्रोल पैनल खोल दिया हमने। कंट्रोल पैनल खोलने के बाद डिवाइस एंड प्रिंटर में जाना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके अंदर में जो है मैं डल चुका है। तो अभी चल रहा है इस पर प्रोसेस में है ये, देख रहे हैं आप। एग्री करेंगे इस पर, और अब जो है चेक करेंगे जाके उसमें प्रिंटर में कमांड हमारी इसमें चली गई है। लगाना भैया एक बार, पेज लगेगा ना इसमें। दोस्तों यहाँ पे पेज देखिए हमने यहाँ पे लगा दिया इसमें, और अब जो है यहाँ पे देंगे कमांड हम। देखिए हमने यहाँ पे बटन दबा दी और यहाँ पे निकलने लगा प्रिंट आउट हमारा, देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छे से निकल रहा है प्रिंट आउट। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ प्रिंट आउट, तो अच्छे से यहाँ पे जो है इसकी निकाल दिए पेज, इसमें टेस्टिंग पेज।